बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में पार्टी के 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का नाम, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। पहले लोगों ने आंदोलन देखकर वोट दिया था, लेकिन अब लोग हमारे 5 साल के काम को देखकर वोट देंगे। मैंने दिल्ली का बड़ा बेटा होने की जिम्मेदारी निभाई। आम आदमी पार्टी ने बिना भेदभाव के काम किया। साथ ही दिल्ली के शास्त्री नगर में आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोड शो भी किया। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए निचले स्तर पर काम कर रही है। मैं समझता हूं कुछ शाहीन बाग के कैंपेनर को भी ले आना चाहिए, उनको जो शाहीन बाग में जिस प्रकार से वो लोग दिल्ली को बंधक बना के रखे हैं, उनको भी शामिल करना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से सवाल किया। मनोज तिवारी ने कहा कि शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन की वजह से लाखों लोग परेशान हैं। परीक्षा के समय बच्चे 2-2 घंटे सड़कों पर बर्बाद कर रहे हैं, यातायात ठप है, ये सब कहां तक जायज है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को देश की दिशा बदलने वाला चुनाव बताया और साथ ही इस चुनाव को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने की अपील की। ट्विटर पर वीडियो शेयर कर गिरिराज सिंह ने कहा कि क्या आप केजरीवाल और कांग्रेस का समर्थन करेंगे जो शाहीन बाग में प्रदर्शन करवा रहे हैं और अर्बन नक्सल को बढ़ावा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर गंदी राजनीति का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी इस बात पर खुश है कि उसने दिल्ली के सीएम को 6 घंटे नामांकन के लिए बिठाए रखा। दिल्ली की जनता बीजेपी को 6 टर्म तक नहीं आने देगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर रणवीर सिंह के मुताबिक चुनाव में हर विधानसभा सीट में मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जिन्हें खास तौर पर तैयार किया जाएगा। इनमें पिंक बूथ भी शामिल हैं, जहां पोलिंग स्टाफ और बूथ की सुरक्षा में केवल महिलाएं तैनात होंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सब लोग वोट करें और उसके लिए हमने पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करने का फैसला किया है। ये ऑन डिमांड होगी। दिल्ली चुनाव में 25 जनवरी से 31 जनवरी तक पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैलेट पेपर से वोटिंग के दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जाएंगे, जिसे स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना होगा। इस सुविधा का चार्ज मुख्य चुनाव अधिकारी देगा। दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 1027 शिकायतें दर्ज हुई हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अब तक 2000 से ज्यादा गाड़ियों पर कार्रवाई की है, जिन पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के विज्ञापन लगे हुए हैं। इन वाहनों का चालान किया जाता है और साथ ही कोर्ट चालान के साथ गाड़ी भी जब्त की जा सकती है।